भाजपा लोकसभा चुनाव के पहले पिछले दिनों पार्टी से निकाले गए बागियों की वापसी कर रही है। पार्टी ने मन बनाया है नगर निकाय चुनाव के दौरान निकाले गए बागियों को वापस पार्टी में लाया जाएगा। इनकी संख्या तकरीबन 5,000 है। भाजपा लोकसभा के दौरान किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं चाहती है और इसलिए भाजपा अपने पुराने बागी और नाराज कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से वापसी करने के मूड में है। नगर निकाय चुनाव के दौरान जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिला वह बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ लिए और इनकी संख्या तकरीबन 5,000 है। ये ऐसे कार्यकर्ता है जो नगर निकाय चुनाव के दौरान बागी हुए थे और भाजपा ने उन्हें उस दौरान 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन अब प्रदेश संगठन ने तय किया है कि इन सभी की वापसी कराई जाए। पहले चरण में आज अवध क्षेत्र के बागियों को लखनऊ में वापस पार्टी में लिया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व के मन मुताबिक आज से भाजपा अपने बागियों को वापस लेने की शुरुआत करेगी। आज पहले चरण में अवध क्षेत्र के बागी वापस लिए जाएंगे। लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर तकरीबन 30-35 बागियों को आज बुलाया गया जिन्होंने नगर निकाय चुनाव के दौरान भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इन लोगों में पूर्व कार्यवाहक महापौर सुरेश अवस्थी, पूर्व पार्षद दिलीप श्रीवास्तव समेत कई पूर्व पार्षद, बोर्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष शामिल है। इन लोगों की ज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा की मौजूदगी में होगी। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में तकरीबन 250 के करीब बागी भाजपा में वापस आएंगे। इनमें 14 पूर्व सांसद, 3 पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सहित कुछ पूर्व मंडल और वार्ड अध्यक्ष शामिल हैं।